थोड़ा चखो, थोड़ा सा शुगर, शुगर ले लो शुगर। चक्कर नहीं मांग रही हूँ मैं, तो आपको शुगर है, आप मीठा नहीं खाओगे। हाँ ले दो राधिका, मेरा बेटा इतने दिनों के बाद इंदौर से लौट के आ रहा है, आज तो मुझे मत रखो। इतनी बार ये सुन चुकी हूँ ना, आज तो मत रखो, आज तो मत रखो। जब इंदौर गया था तभी आपने कहा था आज तो मत रखो, जब एक हफ्ते बाद वापस आया तभी आपने कहा था आज तो मत रखो, फिर मनोज को नौकरी लग गई उस वक्त भी कहा था आज तो मत रखो। अरे कब रोको, मत रोको। मम्मी मैं आता हूँ। अब तू कहाँ जा रहा है मनोज? राजू को मिलके आता हूँ। अरे राजू थका होगा, आराम करने दे उसे, रात को खाना खाने मिलने वाले है ना। मत रुको राधिका, उसे मिलने दो उसे राजू से। हाँ हाँ मिलने दो इसे, इतनी एक्साइटमेंट तो इसने जॉब मिलते टाइम भी नहीं दिखाई थी जितने अपने भाई को मिलने के लिए दिखा रहा है। ए मम्मी क्या हुआ, आज वो तेरा ट्यूशन में इंटरव्यू था ना, कैसा गया? क्या हुआ बोलो। विद्या बोल ना। क्या हुआ? मुझे नौकरी मिल गई है। क्या? क्या? Congratulations! Thank you! वाह मम्मी! ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई दी बेटा। Congratulations! काका। खुश रहो बेटा, बात रहो। आज तो जश्न मनाने का दिन है राधिका। आज मुझे मत रोको। आज मुझे वो सीरा खा लेने दो। आप काका, ये खाइए। शुगर फ्री मिठाई लाई हूँ सिर्फ आपके लिए। शुगर फ्री? हाँ। राधिका शुगर फ्री। आप भी लीजिए काकू। मम्मी मुझे 100% गारंटी थी कि विद्या को ये जॉब जरूर मिलेगा। यू डिजर्व द बेस्ट। पता तो था कि नौकरी तो मिलेगी, पर मैंने सोचा था कि 30,000 तक सैलरी देंगे, पर मेरे एक्सपीरियंस को देख के उन्होंने 40,000 सैलरी फिक्स की है। ओ, क्या बोल रही हो? 40,000? मतलब मम्मी अब तो इस मनोज से ज्यादा कमाएगी। ये ले मिठाई का। विद्या वो शीरा रखा ना, चल रहा है, आजा आजा मदद करो मुझे। दो, क्या हुआ, इतना क्या सोच रही हो? सब ठीक है ना? हाँ? क्यों, तुम्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा? अरे सब ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं? क्योंकि तुम जब भी इंदौर से आते हो मेरे लिए गजरा लेकर आते हो, लेकिन इस बार मेरे लिए गजरा लाना भूल गए हो, इसका मतलब है कि सब ठीक नहीं है। क्या है, मैं ना सांस लेना भूल सकता हूँ लेकिन ना तुम्हारे लिए गजरा लाना नहीं भूल सकता। ओके गजरे वाली। पता है इंदौर में दो ही लोगों की बहुत याद आती थी, एक तुम और दूसरी हा? दूसरी कौन? मेरी वड़ा पाव। ओहो मेरी सौतन वड़ा पाव। अयो मेरी बंधुरानी एकदम साउथ इंडियन लगती थी गजरा पहन के। ओके तो मुझे ये बताओ कि मेरे एब्सेंस में यहाँ क्या क्या हुआ। ओके वेट 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 वेट। अच्छा स्टार्ट। साई दर्शन बुलेटिन के आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। अथर वागले का मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री से पाला पड़ा है, जिसे करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ लेकिन बार बार फेल हो रही हूँ, पर अब आप यहाँ आ गए हैं तो आप उन्हें समझाने का कष्ट उठाएंगे। मैं ट्रिग्नोमेट्री बोल भी नहीं पाता, तुम सिखाने की बात कर रही हो, उसके साथ मुझे भी ट्यूशन लेनी पड़ेंगी। ट्यूशन? ट्यूशन से याद आया कि एक बड़ी ट्यूशन क्लासेस में विद्या वागले को ट्यूशन टीचर बनने का मौका मिला है, जिसकी वजह से पूरे वागले परिवार में खुशी की लहर दौड़। क्या बात है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि मनोज वागले एक ही नौकरी में 2 महीने से टिके हुए हैं, जिसकी वजह से पूरा वागले परिवार शॉक और सरप्राइज है, वापस खुशी की लहर। तीसरी बड़ी खबर ये है कि वंदना वागले की कुकिंग स्किल से इम्प्रेस होकर जसू भाई ने उन्हें एक बड़ा कुकिंग ऑर्डर दिया है, और वंदना वागले अगर वो कुकिंग ऑर्डर अच्छे से निभाती हैं तो उनके उस क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट को बड़े स्केल पे ऑपरेट करने का उन्हें मौका मिला। क्या बात, क्या बात। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए।
शुभरात्रि प्राउड ऑफ यू बंधु, प्राउड ऑफ यू. शुभरात्रि बोल के सोने जाते, चलो. हेलो, मैंने आगे सारी खबर दे दी, अब मुझे इंदौर की खबर सुनाइए कुछ. इंदौर की क्या खबर है? इंदौर इंदौर है. क्या राजेश बाबू, शायद आप भूल गए हैं कि आपकी सूरत देख के आपके मन में क्या चल रहा है ये मैं समझ जाती हूँ. बताइए. अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी ना. राज, तुम अपना पूरा सामान लेकर आए हो और वो सामान देखकर ये समझ में आ रहा है कि तुम कुछ दिनों के लिए नहीं आए हो, हमेशा के लिए. क्या बात? इंदौर के ब्रांच में ना गड़बड़ चल रही है, तो कल निक और कियारा के साथ मीटिंग है ऑफिस में, कुछ बड़े डिसीजंस लेने हैं, उसके बाद में कुछ तय होगा. चूज करो. ओके ओके, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन. ओके चलो चलो चलते. शुगर फ्री, लेकिन कितनी फ्री है ये नहीं लिखा, आधा किलो एक किलो लिखना चाहिए ना. ज्योति आंटी, शुगर फ्री मतलब इस बॉक्स में जो कुकीज है ना उसमें शुगर नहीं है, इसलिए शुगर फ्री. अच्छा, मतलब वो बिस्किट में शुगर नहीं है तो शुगर अलग से फ्री दे रहे हैं. वाह क्या बात है. ले ले. मैं आपको घर जाके समझाती हूँ. मम्मा लिस्ट में जितना भी लिखा था वो सब ले लिया है. गुड. ज्योति भाभी, आपकी शॉपिंग हो गई है तो बिलिंग करा लेते हैं. मुझे कुछ नहीं लेना. क्यों, आप तो कह रही थी आपको बहुत सामान लेना है. मुझे वीडियो शॉपिंग करनी थी तो मैंने कर ली. क्या वीडियो? ज्योति आंटी, वो वीडियो शॉपिंग नहीं होता है, विंडो शॉपिंग होता है. वीडियो मतलब विधवा. मुझे तो लेना पड़ेगा सामान, मैं लाती हूँ 5 मिनट में. आप लोग जाइए बिलिंग कराने में. आई आई, थैंक यू. आइए, नमस्ते, लीजिए, आपका हो गया 40 रुपए. 40 रुपए? छुट्टा मैडम, छुट्टा रखने का ना हाथ में. 40 रुपए कैसे, मैंने तो एक ही साबुन लिया है 20 रुपए का. हाँ तो 20 रुपए का आपका साबुन और 20 रुपए की हमारी थैली. 20 रुपए साबुन के लिए, 20 रुपए की थैली. आपकी थैली आप ही के पास रखिए, नहीं चाहिए मुझे थैली. ये तो आपको पहले बोलने का था ना. आपने पहले पूछा ही कब. चलिए ये बिल में से थैली का 20 रुपया निकाल दीजिए. मैडम बिल छप गया सो छप गया, अभी आपको पैसा भरना ही पड़ेगा. अजीब जबरदस्ती है ये. अरे जबरदस्ती मैं कर रहा हूँ या आप? एक तो कस्टमर की पूरी लाइन रोक के खड़े. मैडम 20 रुपए के लिए इतना तमाशा मत कीजिए, चलिए जाइए. कैसा मीनिंगलेस इंसान है ये. बदतमीज. मैनरलेस. हाँ वही, सेम टू सेम. नमस्ते मैडम, आइए. नमस्ते, हमें आपकी थैली नहीं चाहिए. हाँ हम थैली लेकर आए. अच्छा ठीक है. सखी, थैली नहीं है बैग में, तुझे दी थी क्या? नहीं तो, एक मिनट. ज्योति भाभी, आपको दी थी क्या थैली? एक क्यों, एक मिनट. क्या हुआ मैडम, थैली नहीं मिल रही है क्या? आप अपना काम जल्दी कीजिए ना. मैं अपना काम कर ही रहा हूँ, इंसान हूँ मशीन नहीं. आप जल्दी कीजिए. गई कहाँ थैली? वही तो मिल नहीं रही है. आपने किचन से उठाई थी ना. हाँ पर मुझे लगा तुझे दी थी. मैडम थैली नहीं मिल रही है ना, टेंशन मत लीजिए, हम किस लिए हैं. ये लीजिए मैडम, आपका बिल हो गया 2,540 रुपए. क्या, ये 20 रुपए एक्स्ट्रा कैसे? थैली के. अभी आपके पास हमारे पास से थैली खरीदने के अलावा और कोई तो ऑप्शन है नहीं ना. हमने आपसे कहा ना कि थैली नहीं चाहिए. सबको समझाना पड़ता है,
अरे मैडम 20 रुपए में कितनी बढ़िया क्वालिटी की थैली दे रहे हैं वो तो देखिए आप। वैसे भी 20 रुपए बचा के कौन सा ताजमहल खड़ा कर लेंगे आप? एक्सक्यूज मी, आपको नहीं लगता आप अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं? बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। बदतमीजी? कब की मैंने बदतमीजी? तब से देख रही हूँ आप बदतमीजी ही किए जा रहे हैं। हमारे पहले जो लेडी खड़ी थी ये इनके साथ भी आपने बहुत बदतमीजी से बात की और जबरदस्ती इनके बिल में ये थैली का पैसा ऐड कर दिया। एक मिनट मैडम, इरादा क्या है आपका? ये जो इतना सारा सामान लिया वो हाथ में लेके जाएंगे? सर्कस सर्कस में काम करते थे क्या पहले? बहुत हो गया आपका, अब ना हम ये सामान हाथ में ही लेकर जाएंगे लेकिन आपसे थैली नहीं लेंगे। एक मिनट, आपको जो भी तमाशा करना है ना प्लीज साइड में आके करिए, पीछे पूरी कस्टमर्स की लाइन खड़ी है। चलिए देखिए, 20 रुपए बचाने के चक्कर में 40 रुपए का नुकसान हो गया और अब इसे साफ कौन करेगा? ओ भाई जल्दी करो ना, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। सच में मुझे भी बच्चे के स्कूल जाना है, लेट हो रहा है मुझे बहुत। करो फटाफट जल्दी से। वंदना भाभी छोड़िए ना। नहीं ज्योति भाभी, कसम से जिंदगी में बहुत कुछ देखा है लेकिन 20 रुपए के लिए इतना तमाशा पहली बार देख रहा हूँ। चलिए आपको जो भी करना है ना जल्दी कीजिए प्लीज। इनफ समझे आप? इनफ, बहुत हो गई आपकी बदतमीजी। आपके मैनेजर से बात कराइए मेरी। अच्छा करवाता हूँ बात। तमाशा करके रखा है। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू। बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? क्या हुआ? मैं ही तो हूँ यहाँ का स्टोर मैनेजर, बोलिए। आप अपने ओनर से बात कराइए। ओके, आपकी यही इच्छा भी पूरी कर देता हूँ, आफ्टर ऑल कस्टमर इज किंग। एक मिनट, हेलो सर, एक कस्टमर है उनको आपसे बात करनी है। जी जी देता हूँ, एक सेकेंड लीजिए, कर लीजिए कंप्लेंट। हेलो भाई साहब, मुझे आपके स्टाफ की शिकायत करनी है, बहुत ही बदतमीज स्टाफ है आपका, इनको ट्रेनिंग की जरूरत है। आप कौन? मैं कस्टमर हूँ वंदना, यहाँ सामान खरीदने के लिए आई थी और आपका स्टाफ मुझसे बदतमीजी कर रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हो गया? नहीं हुआ है, आपका स्टाफ सिर्फ बदतमीजी नहीं कर रहा है बल्कि कस्टमर्स को जबरदस्ती थैली खरीदने के लिए मजबूर भी कर रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, उम्मीद है आपका दिन शुभ रहे, गुड डे। हेलो, लीजिए। सो बोलिए कैश या कार्ड? आज के बाद मैं यहाँ से एक भी सामान नहीं खरीदूंगी, इनफैक्ट दूसरे कस्टमर्स को भी मना करूंगी यहाँ से सामान खरीदने के लिए। एक मिनट, आज से ही, आज के बाद से। हाँ, और ये जो इतना सामान बिखरा पड़ा उसका मैं क्या करूँ, वापस रखवा दूँ? ये जो बिल प्रिंट हुआ उसका पैसा कौन देगा? मैडम चलिए ना, जल्दी कीजिए ना। अरे हम लोग जाना है। अरे क्या है, दो मिनट लगा रखा आपने, 20 रुपए के लिए इतना मुकदमा नहीं करूँ। ऐसे कैसे नहीं देंगे, थैली के पैसे देने पड़ेंगे आपको, समझे आप? 20 रुपए जो भी करना है ये लीजिए, आपके थैली के 20 रुपए। ज्योति भाभी जाने दे ना, वंदना भाभी छोड़िए, अभी जाने दीजिए, आ जाइए आप लोग, आ जाइए। ये समझदारी वाला काम, चलिए जाने दीजिए, चलिए। गणपति बाप्पा संभाल लेना, गणपति बाप्पा मौर्य। वेलकम राजेश सर, वेलकम। सर आपके आने से मुंबई की स्पीटूपी की ऑफिस में फिर से रौनक आ गई सर। ऐसा लगता है जैसे हजारों बत्तियां जल उठी हो, हजारों मोर नाचने लगे हो, हजारों घंटियां। हाँ सर, हम तीनों ने आपको बहुत मिस किया सर, yes, sir. और खासकर लंच ब्रेक में। हाँ. कितना टाइम हो गया वंदना भाभी के हाथ का खाना खाए हुए। आई नो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
चलो अपने अपने काम पे लगो। सर मेरे पोहे कहाँ हैं? मेरा इंदौर से यहाँ आना और पोहे, इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है सर, आप इंदौर से आए ना, और इंदौर में फेमस क्या है? और रतलामी सेव डले हुए पोहे, तो आप मेरे लिए पोहे तो लाए होंगे ना? पोहे नहीं लाए मैं। सर सर हमारे पास आपके लिए एक बहुत मस्त सरप्राइज है। हाँ सर, आपके रेडियो के फैंस ने हमारे वेबसाइट पे आपके लिए गानों की लिस्ट भेजी है। हाँ सर, तो आपके आने की खुशी में एक गाना तो बनता है सर। गाना हो जाए। हाँ सर, राग मल्हार में। नहीं, मल्हार वाला क्या होता है, वो थोड़ा सैड हो जाता है सर। तो राग भेलपुरी। अरे ये कौन सा राग है? अरे मैंने सुना है, थोड़ी हरी चटनी डाल के गाऊं। बहुत हो गया। ओके, अपने अपने डेस्क पे जाइए और काम पे लगिए। चलो। ये राजेश सर इतना भड़क क्यों गए? लगता है कुछ तो बड़ा लोचा हुआ है। आई नो, इसीलिए तो मेरे लिए पोहे नहीं लाए। आप दोनों इतना गुस्सा, ओ सेल्समैन की बात को क्या आप दोनों इतना दिल पे लगा रहे हो? हाँ, आप चश्मा पहनती हैं? नहीं, मतलब आपका विजन एकदम क्लियर है। हाँ हाँ एकदम। तो फिर आपको दिखाई कैसे नहीं दिया? वो सेल्समैन कितनी बदतमीजी से पेश आ रहा था हमारे साथ। बेटा मुझे दिखाई दिया? सर्विस इंडस्ट्री में होकर कोई अपने कस्टमर के साथ ऐसे कैसे बर्ताव कर सकता है? जहाँ का ओनर ही इतना बदतमीज हो सकी, वहाँ के स्टाफ से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? हम सब ने देखा कैसे जबरदस्ती वो थैली सारे कस्टमर्स को पकड़ा रहा था और पैसे ऐठ रहा था। एक तरह का करप्शन ही होता है ये। आपको क्या जरूरत थी 20 रुपए देने की उसे? बाय द वे, हाँ मैं तो 20 रुपए देके बात खत्म करना चाहती थी। वही तो ज्योति भाभी, हम 20 रुपए नहीं देकर बात शुरू करना चाहते थे, वो बात जो कोई नहीं करना चाहता। वहाँ क्यों में खड़े सारे कस्टमर्स को पता था कि उनको उल्लू बनाया जा रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा था। एग्जैक्टली exactly. और ऐसे ही लोगों से 20-20 रुपए लेकर ना ये गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट वाले ना लाखों कमा लेते होंगे। मैं आप दोनों की बात समझ सकती हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, है ना? हम कस्टमर्स हैं ज्योति भाभी, हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं? हम वो कस्टमर्स हैं जिनकी वजह से ऐसे सुपरमार्केट्स चलते हैं। हम वो कस्टमर्स हैं जिनकी वजह से प्रकाश जैसे सेल्समैन को सैलरी मिलती है। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम आवाज क्यों नहीं उठाएं? हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए। एग्जैक्टली मम्मा, यू आर राइट, हमें कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। एक्शन? तो अब क्या आप दोनों जाकर वहां उस सेल्समैन से लड़ाई करोगे? मुझे बात आपसे फोन पे नहीं, फेस टू फेस करनी थी, इसलिए मैं ऐसे अचानक। बात क्या है मिस्टर वागले, साफ साफ बताइए। क्या मैम, निक इंदौर ब्रांच को मैंने बंद कर दिया। सब कुछ रोक दिया है, यू नो ऑपरेशन रोक दिए हैं, ऑफिस को खाली कर दिया है और स्टाफ को रिलीज कर दिया। हाउ कुड यू राजेश भाई, हमारे क्लाइंट मिस्टर शर्मा, जिनकी वजह से हमने इंदौर का ब्रांच शुरू किया है, जिन्होंने हम पे इतना भरोसा दिखाकर अपने सारे ऑर्डर लॉजिस्टिक्स के ऑर्डर्स हमें दे दिए, उनके ऑर्डर्स का क्या होगा? मिस्टर शर्मा वही इस प्रॉब्लम की जड़ है। हमें उनके कंपनी से ऑर्डर्स तो मिल रहे थे लेकिन पैसे नहीं। राजेश भाई शायद आप भूल रहे हैं हमारी क्या डील हुई थी। डील के हिसाब से 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है, आज ही तो कल हमारे पैसे आ जाएंगे। नहीं आ जाएंगे। How can you be so sure? क्योंकि मिस्टर शर्मा की कंपनी घाटे में चल रही है। मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स से पता लगाया, मिस्टर शर्मा ने ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारी वेंडर्स के साथ किए हैं। किसी को 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से पेमेंट्स आई ही नहीं, सब इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर शर्मा की कंपनी का घाटा बढ़ता ही जाएगा, उनकी कंपनी, उनका धंधा ठप हो चुका है, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो पेमेंट्स करेंगे कहाँ से? हाँ ठीक है राजेश भाई, पर उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरी की पूरी ब्रांच बंद कर दें। अगर मैं ब्रांच बंद नहीं करता तो शर्मा से हमें ऑर्डर्स मिलते रहते जो हमें मजबूरन कंप्लीट करने पड़ते थे बिना पेमेंट्स के। देखिए सैलरीज है, ऑपरेशन का खर्चा है, ये सारा जो खर्चा है ना
वो मुंबई ब्रांच के प्रॉफिट में से कट रहा है। उस लॉस को कम करने के लिए मुझे इंदौर ब्रांच बंद करना ही पड़ा। I didn't have any other option. पर इतना बड़ा डिसीजन आप अकेले कैसे ले सकते हैं राजेश भाई? I'm sorry for that, Nick. पर मैंने जो कुछ भी किया वो कंपनी के फ्यूचर के लिए और कंपनी में काम करने वाले स्टाफ की भलाई के लिए किया। लेकिन ब्रांच बंद करने से पहले एक बार हमारे साथ डिस्कस कर लेते आप, isn't it clear? डिस्कस करके क्या होता निक? Tell me, क्या होता? हम उन्हें कंपनी बंद करने देते? नहीं ना। मिस्टर वागले ने ये डिसीजन लेकर कंपनी को होने वाले बड़े नुकसान से बचाया है। काश मैं डिसीजन जल्दी ले पाता, वाकई में इस कंपनी को एक बड़े नुकसान से बचा पाता। बैलेंस शीट के हिसाब से हम 1 करोड़ लॉस में, और अगर हमने इस लॉस को रिकवर नहीं किया तो इंदौर ब्रांच की तरह मुंबई ब्रांच भी खतरे में आ सकती। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।